गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट क्रीड़ा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का मार्केट क्लोज हो चुका है, आप लोगों के लिए अनदर वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ विद टॉप थ्री स्टॉक के साथ। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं, काफी अच्छे लेवल पर मैंने उनको सेलेक्ट किया है कि किस लेवल पर वो बुलिश रहेंगे और किस लेवल पर वो बेयरिश रहेंगे। तो हर एक स्टॉक को आपको डीपली और सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करके बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, एक भी सेकंड का वीडियो स्किप ना करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट क्रीड़ा जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको मार्केट टाइमिंग में नए नए स्टॉक के लेवल्स देता रहता हूँ। बाय चांस क्या होता है, कोई स्टॉक जब गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मैं उसको फिर से अपडेट करके देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ट्यूसडे जो मैंने स्टॉक दिया था, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस एंड रिलायंस, तो देखते हैं इन तीनों स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्म किया है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को मैंने आपको जो है बाय के लिए दिया था, 3201 से इसको आपको बाय करना था और ये बिल्कुल ही जो है ब्लूश ट्रेंड में रहा दोस्तों, और इसने जो हाई बनाया 3260 नियर अबाउट जो है इसने 60 पॉइंट का प्रॉफिट देकर गया है बाइंग साइड में दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप भी इस पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सेकंड जो स्टॉक मैंने दिया था दोस्तों वो दिया था रिलायंस। रिलायंस भी जो है बिल्कुल ही ब्लू स्टेन में रहा दोस्तों, और मैंने इसको आपको बाय के लिए दिया था जो है 2179 से आपको इसको बाय करना था, और इसने जो दोस्तों हाई बनाया नियर अबाउट 2193, तो इसने भी जो है 20 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट देकर गया है बाइंग साइड में दोस्तों। तीसरा जो स्टॉक मैंने दिया था वो दिया था आपको मैंने भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को आपको बाय के लिए दिया था दोस्तों, मैंने 564 से आपको इसको बाय करना था, और इसने दोस्तों जो हाई बनाया 574 नियर अबाउट, इसने जो है 10 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट देकर गया है बाइंग साइड में। तो दोस्तों बहुत होता है 10 पॉइंट या 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट, मैं तो आपको हमेशा 3 से 5 पॉइंट्स के लिए कहता हूँ इंट्राडे में। अगर इंट्राडे में आप 5 पॉइंट भी ले लेते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ, लार्ज आपको हमेशा जो है इंट्राडे में मार्जिन मिलता है, तो आप चाहे तो क्वांटिटी में ट्रेड बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। क्योंकि आप जो अगर 5 पॉइंट ले लेंगे तो इजीली आपको जो अगर 100 भी शेयर्स लेते हैं तो 500 रुपीज़ तो आपको तभी मिल जाएगा। बस आपको जो है वेट करना है, जो मैं लेवल देता हूँ उस लेवल पर जैसे आप एंट्री लेंगे तो आपका पहले से दूसरे कैंडल या तीसरे कैंडल में जो है टारगेट दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कल यानी कि वेडनेसडे के लिए कौन कौन से स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं जिसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया है हीरो मोटो को। थोड़ा सा महंगा जरूर है दोस्तों, लेकिन जब परफॉर्म करता है तो 10 प्लस पॉइंट इजीली दे जाता है, लेकिन आपको सिर्फ जो मैं लेवल दे रहा हूँ उस लेवल का वेट करना है। तो सबसे पहले आपको इसको बाय करना है 2851 पर, टारगेट रहेगा 2855, 2860, 2865। अगर ये डाउन साइड जाता है तो आपको इसको सेल करना है 2828 पर, टारगेट रहेगा 2823, 2818 एंड 2810। इसी तरह से जो सेकंड स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों डिवीज लैब को आपको जो है बाय करना है 2353 पर, इसका जो टारगेट रहेगा 2358, 2363, 2370। अगर ये डाउन साइड जाता है तो उसको आपको सेल करना है 2332 पर, टारगेट रहेगा 2327, 2322, 2315। तीसरा जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों वो एसीसी को जो है आपको बाय करना है 1406 पर, टारगेट रहेगा 1410, 1414, 1418। अगर ये डाउन साइड जाता है तो इसको आपको सेल करना है 1386 पर, टारगेट रहेगा 1382, 1378, 1374। तो दोस्तों ये थे टॉप थ्री स्टॉक जिसको आपको जो है कल अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है और ट्रेड करना है। होप कि आप अच्छे से ट्रेड कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। बस लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को जो बिल्कुल मार्केट में बिगिनियर्स है, जिनको पता नहीं होता है कि मार्केट से किस तरह से अर्निंग करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू।